नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये डिजाइन दोस्तों मैं आपको सेंटर में बनाकर बताऊंगा यहाँ पे। और ये इधर मैंने कितनी रस्सी दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है, एक बार मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इससे पहले भी वैसे मैंने बहुत सी डिजाइन बनाई थी, और आपको स्टार्टिंग से कैसे बनाना है वो भी बताया था मैंने, ताना कैसे खींचते हैं वो भी बताया है। यदि वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं। या ऊपर हमारा राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ भी कुछ वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और ये ताना में दोस्तों कितनी रस्सी आती हैं, ये बहुत से दोस्तों कमेंट आ रहे हैं। जितने आपकी चारपाई में आती हैं, 80, 90, 100, 150, वो डाल दीजिए। और इसमें लगभग आपको 3x6 की में 6-7 किलो रस्सी लगती है दोस्तों। बहुत दोस्तों कमेंट आ रहे कितने किलो रस्सी लगेंगी। 3x6 की यदि आपकी चारपाई या 3 ऐसे चौड़ी और लंबी 6 फीट या 6.25 लगाएंगे तो आपको कम से कम 7 किलो रस्सी लेनी होगी। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो चलते हैं दोस्तों। देखो ये आप लहर देख पा रहे हैं, इस तरफ से मैंने यह किल्ली है और दूसरी तरफ कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता दें। और दूसरी तरफ की वो किल्ली थी आगे की, वो मैंने बांध दिया वहां पे और ये किल्ली मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और डिजाइन भी दोस्तों आपको मैं सेंटर में बनाकर बताऊंगा आज। और ये सेंटर में ही डिजाइन कैसे बनती है वही मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको पूरी डिजाइन दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने रस्सी दूसरी ली है, मैंने ये बांध दिया यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये 5 रस्सी जोड़ा से लेनी है आपको। इस प्रकार से हर रस्सी जोड़ा से लेनी है। ये देखो 4 रस्सी हो गई मेरी और एक और हो जाएगी, ये 5 रस्सी हो जाएंगे हमारी। इस प्रकार से आपको जोड़ा से रस्सी लेनी है। और आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको लहर की बताऊंगा आज, सिर्फ सेंटर में ही फूल डालना बताऊंगा। तो 5 दबाना और 5 रस्सी ये उठाना इस प्रकार से। तो पूरी डिजाइन में आपको यही करना है, सिर्फ 5 दबाना है और 5 ये उठाना है, ये रस्सी में करना आपको। या तो आपको लहर का क्या कि चारपाई बनानी आसान होती है, इस प्रकार गिन के आपको जोड़ा की लेनी है। सिर्फ जोड़ा से आपको रस्सी लेनी है और 5 दबानी है, 5 उठानी है। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करनी है दोस्तों। ये सभी जोड़ा से आपको लेते रहना है इस प्रकार से, और ये 5 रस्सी दबा देंगे और 5 ही हम उठा देंगे। तो इस प्रकार से हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना खाली बस कि स्टार्टिंग हमने कैसे किया है, वो सीक्वेंस आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से हमारा सीक्वेंस बनेगा। ये देखो सभी 5-5 रस्सी लेंगे आप, फिर यहाँ भी हम 5 रस्सी ये दबा देते हैं और 1 रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्टार्टिंग कर लेंगे। पहले 5 उठाएंगे, फिर 5 दबाई, 5 उठाई, 5 दबाई, फिर 5 उठाई, 5 दबाई, 5 उठाई, 5 दबाई, 5 उठाई, 5 दबाई, 5 उठाई, 5 दबाई, फिर 5 उठाकर 1 रस्सी दबा देंगे यहाँ पे सेंटर में। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, सिर्फ आप देख लीजिए कि मैंने 5 उठाई है और 5 ही दबाई। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करना है। उसके बाद में आगे रस्सी कैसे डलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और फूल हमारा ये सेंटर में आपको बनाना बताऊंगा मैं। और आगे भी दोस्तों सिर्फ आप 5 दबाते हो और 5 उठाते रहिए। तो मैं अंत तक एक बार पूरी रस्सी डाल देता हूँ। तो ये यहाँ पे भी हमने 5 दबाएंगे और 5 ही रस्सी उठाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम स्टार्टिंग करेंगे बस, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ तक 5 दबाई, 5 उठाई, 5 दबाई, 5 उठाई ले गया है। और ये अंत में मेरे पास यहाँ 3 रस्सी बच गई, तो 3 हम दबा देंगे। अब ये रस्सी कैसे डालना है, घुंडी कैसे डालना है, वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। बहुत से दोस्तों कमेंट आता है कि हम घुंडी कैसे डालें, किस प्रकार से। देखो लहर आपको दिख पा रही होगी, इस लहर के नीचे से यहाँ से लेना है इसको, इसको सभी हम नीचे से लेना है इसको, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस बात से ये देखो नीचे से हम ले लेंगे, इस लहर से नीचे से ले लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारी पहली घुंडी बन जाएगी यहाँ से। और इसको धीरे धीरे दोस्तों ये नज़दीक भी करते रहना आपको, और दूसरी तरफ भी घुंडी आप डाल देंगे। तो पूरी चारपाई दोस्तों मैं आपको अंत में दिखाऊंगा, पहले सिर्फ आपको मैं डिजाइन बनानी बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि डिजाइन हमारी सेंटर में बनेगी, सेंटर में ही यहाँ पे डिजाइन बनेगी। और इससे पीछे यहाँ पे आपको 5 दबानी, 5 उठानी है, और इसके आगे भी 5 दबानी, 5 उठानी है। तो अब स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम कि यहाँ से एक एक रस्सी का सीक्वेंस हम लेते रहेंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों आप 4 उठा देंगे हम,
चार उठा के फिर पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठाते लेके आई हैं। सिर्फ स्टार्टिंग का सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले हमने पांच उठाई थी, फिर चार उठाएंगे, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, इस प्रकार से उठाएंगे हम। उसके आगे पांच दबाते और पांच उठाते रहिए। हमने स्टार्टिंग में बस आपको सीक्वेंस बता दिया है कि आपको चार रस्सी उठानी है, फिर आगे पांच दबाते और पांच उठाते रहिए। उसके बाद दोस्तों आपको सेंटर में ध्यान रखना है। अब सेंटर में हमने तीन रस्सी दबाना है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना आपको, सेंटर का और स्टार्टिंग का। उसके आगे यहाँ पे आप पांच दबाते और पांच उठाते रहिए रस्सी, ये सेंटर से आगे कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ आप पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा समय नहीं लगे, इसलिए मैं ही आपको ये आगे की साइड नहीं दिखा रहा हूं। वो पूरी चारपाई किस प्रकार से बनेगी लहर की, वो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा ताकि आप आसानी से देख सकें। और ये इस प्रकार से हम घुंडी डाल देंगे और वापस ये खींच देंगे, और ये थोड़ा थोड़ा नजदीक करते लेके आइए आप। तो इस प्रकार से ये स्टार्टिंग करेंगे। आज फिर से मैं आपको नई डिजाइन बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आप तीन रस्सी उठाइए स्टार्टिंग में दोस्तों, तीन उठाकर फिर आप पांच दबाइए और पांच ही उठाती रहिए। ये पांच दबानी और पांच ही रस्सी आप उठाएंगे, यहां पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठाते रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा, पांच दबाई और पांच रस्सी ही उठा दी हमने। तो डिजाइन्स आपके सामने अलग बनाएंगे और किस प्रकार से बनेगी वो भी देखते रहना। और अब की बार दोस्तों हमारे को क्या करना है कि पांच ही रस्सी सेंटर में दबा देना है, या पूरी में ही सिर्फ आपको स्टार्टिंग में चार रस्सी उठाना, उसके बाद पूरी चारपाई में ही ये रस्सी डालेंगे हम तीन नंबर रस्सी, तो पांच उठाएंगे और पांच ही दबा देंगे और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की बहुत ही आसान होती है ये लहर की चारपाई। इसलिए दोस्तों मैं आपको लहर की चारपाई बनाना बता रहा हूँ। एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी चारपाई में डिजाइन बनाना, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, खटिया में नौकड़िया की, छकड़िया की, चौकड़िया की, वो भी मैंने बहुत बताई है, वो भी हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों आप यदि नाम लिखना सीखना है हिंदी में इंग्लिश में, तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर मैंने बताए हैं। एक एक अक्षर मैंने लिखकर बताया है कि ए कैसे मंडेगा, बी कैसे मंडेगा, उसके बारे में सभी के बारे में मैंने बताया दोस्तों। और मोबाइल से नंबर तो दो दो प्रकार से बताए मैंने, और हिंदी में नाम लिखकर बताया है, और चारपाई के अंदर भी दोस्तों मोबाइल नंबर कैसे लिखने हैं वो भी मैंने बताया है, नाम कैसे लिखना है वो भी बताया है, और मैंने नाम की चारपाई भी बनाया है कि नाम लिखा हुआ किस प्रकार से लिख जाता है वो भी बताया है दोस्तों। तो सभी चीज़ आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, चार नंबर रस्सी में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में दो उठाएंगे, फिर उसके बाद में हम सेंटर तक पांच दबाएंगे और पांच ही उठाएंगे। इसमें आगे के में कोई इंटरफेयर नहीं करना आपको सेंटर तक दोस्तों, ये हमारा सेंटर तक है, सेंटर तक कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ पांच दबाई और पांच ही उठा कर लेके आए बस। देखो इस प्रकार से हम चलते रहेंगे और हमारे पास डिजाइन भी बनती रहेगी। इस प्रकार से ये बना देंगे हम। देखो पांच ही रस्सी है, सभी आपको पांच पांच रस्सी का ध्यान रखना दोस्तों, बस इस बात का ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है सेंटर में दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे तीन दबानी है और ये पांच रस्सी उठा लेनी है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखेंगे सेंटर का कि यहाँ पे तीन दबाई फिर एक उठाई, फिर तीन दबाई और पांच उठाइए, और ये पूरा ब्लॉक बनेगा हमारा, ब्लॉक में ही ये आज आपको दिखाऊंगा बनाकर डिजाइन्स। उसके आगे दोस्तों ये पांच दबाते और पांच उठाती रहिए आप। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप नया सीख रहे हो तो सबसे पहले आप डायरेक्ट चारपाई मत बनाइए, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारे समझ में नहीं आता कई बार कोई चीज़, तो हम उसको 10 बार उधेड़ते हैं बनाते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए छोटा कोई पिड्डा ले लीजिए, या कोई आपके पास कुर्सी होगी उसमें बना के देख सकते हैं, कोई एक फूल सीखिए,
इसलिए दोस्तों मैं आपको एक फूल ही ज्यादा बताता हूँ, क्योंकि एक फूल ज्यादा बनाने में दिक्कत ना आए और सीख सकें। यदि आपको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ फूल बनाना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, वही मैं बता दूंगा आपको। एक फूल बनाने के आसानी से सीख सकें, उसके बाद में दोस्तों आप चार पाए के अंदर बनाइए तो आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा और वो डिजाइन भी सही बनेगी, उसको देख कर आप बना सकते हैं। इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेट कर दीजिए ताकि नज़दीक और रस्सी आगे न जाए आपकी, थोड़ा देखने में भी सुंदर लगे, इसलिए हम इसको धीरे धीरे सेट करते हैं। आगे फिर यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, एक रस्सी दबाई है, फिर यहाँ पांच उठाई और पांच दबा देते हैं। आगे तो पांच उठानी है दोस्तों और पांच ही रस्सी दबाते रहना है। पांच उठाएंगे हम, पांच रस्सी दबा देंगे, यही सिक्वेंस हमारा चलेगा सिर्फ, क्योंकि लहर के हम चारपाई बना रहे हैं, लहर की चारपाई बनाना आसान होता है, इसलिए मैं आपको लहर की जल्दी भी सीख सकते हैं आप, इसलिए दोस्तों मैं आपको लहर की बता रहा हूँ ये। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों आपको, आप ध्यान देना है क्योंकि सेंटर में हमारा फूल बन रहा है और यहीं पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। पांच उठाकर आपको तीन रस्सी दबानी है और तीन रस्सी उठानी है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, तीन दबाकर तीन उठानी, फिर आगे तीन दबा देनी है और ये पांच रस्सी हम उठा देंगे। ये देखो जोड़ा सी रस्सी लेनी है आपको, इस प्रकार से लेंगे हम, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर ये सभी आगे पांच दबाते और पांच उठाते रहिए सेंटर में, सेंटर से आगे पांच हमें रस्सी दबाना है और पांच ही उठाना है, इसमें आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं कि यदि आपको मोर की, तोता की, हॉर्स की, कैमल की, ये सभी डिजाइन भी आपको सीखना है तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके बारे में किस प्रकार से सभी डिजाइन बनानी है तो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं इस सभी चीज भी। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लाइन में अंडरलाइन होती है हमारी, तो आपने देखा होगा चैनल वीडियो के नीचे एक लाइन चलती हुई, उसमें मेरा पूरा एड्रेस लिखा रहता है तो वहाँ भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको सीखना है तो मैं ऑनलाइन भी आपको यदि सीखना है तो ऑनलाइन भी मैं सिखा देता हूँ, तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे से ऑनलाइन, आपको घर बैठे बैठे ही चार पाई से कितनी रस्सी आपको दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है, वो सभी चीज़ मैं बताते रहता हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आती है तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं। तो अब दोस्तों देखो मैंने पांच रस्सी डाल दी, तीन दो पांच, इसके बाद में स्टार्टिंग हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पांच उठाई फिर चार उठाई फिर तीन उठाई फिर दो उठाई फिर एक उठाइए। अब क्या करना, आपको पांच दबाना है एक साथ और पांच ही उठाना है, फिर पांच दबाकर आप पांच रस्सी उठा देंगे और फिर आगे दोस्तों आपको पांच उठानी है और पांच ही दबानी है। ये हर पांच रस्सी बाद में सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग का, इस बात का भी ध्यान रखना आपको कि हर पांच रस्सी बाद में आपको सीक्वेंस चेंज हो जाएगा अपने आप ही, थोड़ा ध्यान रखेंगे लहरों का। अब यहाँ पे फिर से दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने पांच उठा लिए और पांच उठाकर आपको क्या करना, तीन दबानी है और एक रस्सी उठानी है दोस्तों, तीन दबाकर एक रस्सी उठानी, फिर आपको तीन दबानी है और एक रस्सी उठा लेनी है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डिजाइन बनेगी हमारी, फिर ये तीन दबानी है और ये पांच रस्सी उठानी है दोस्तों, ये हमारी डिजाइन चलेगी यहाँ पे। फिर उससे आगे यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि पांच रस्सी हमें दबानी और पांच ही उठानी है, तो ये पांच दबाते और पांच उठाते रहिए आगे, इसमें कोई भी चेंज मत कीजिए आप। यदि ये आपको चेंज करना है और डिजाइन बनाना है कि आप चाहते हैं कि हमें सेंटर में डिजाइन नए बनाएं, चारपाई के दोनों तरफ बनाएं, तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, तो वो भी मैं दोनों तरफ अगली बार बताएंगे तो डिजाइंस मैं दोनों तरफ बता दूंगा, ये डिजाइन जो अभी आपको डिजाइन बता रहा हूँ ये दोनों तरफ कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक एक रस्सी के बारे में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी रस्सी आपको दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है, ताकि ये डिजाइन आपकी बन जाएगी, वो सभी चीज मैं आपको दिखाऊंगा आज एक साथ। दोस्तों मैं आपको दो तीन डिजाइन देखेंगे इसमें, इसी फूल में मैं दो तीन डिजाइन दिखाऊंगा आज। तो उसके बाद में दोस्तों अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे चार रस्सी आपको दबानी है,
पहले हमने 5 दबाई थी, अब 4 रस्सी दबाएंगे, तो इस प्रकार से सीक्वेंस हमारा चलेगा। फिर आगे 3 रस्सी हो जाएंगे, फिर 2, फिर 1, इसी प्रकार सीक्वेंस चलेगा हमारा। आगे 5 दबाते और 5 उठाते रहे दोस्तों। तो देखो ये लहर हमारी है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो इस प्रकार से लहर ये चलती रहेंगी आपकी। 5 दबाएंगे और 5 ही रस्सी उठाएंगे, तो ये हमारा चलेगा सीक्वेंस। तो फिर ये आगे 5 हम दबा देंगे, 5 ही उठा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना आपको, अब यहाँ पे आपको 3 दबाकर 2 रस्सी उठानी है। ये लहर हमारा ब्लॉक चलेगा, इसमें ब्लॉक में आपकी रस्सी बनेगी। फिर 2 उठाकर आपको 3 दबानी है, और 3 दबाकर फिर से 2 उठाना है। ये इस डिजाइन पे ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे आपको 3 रस्सी दबानी है और 5 रस्सी उठा लेनी है। ये देखो डिजाइन इस प्रकार से चलेगी। और आगे दोस्तों आपको पता है कि 5 दबानी है और 5 रस्सी ही उठानी है। 5 दबाते और 5 उठाते रहिए आप, इसी प्रकार से आप चलते रहेंगे। और ये अंत में जितने रस्सी आपको दोस्तों बता देता हूँ कि उससे पहले वाली रस्सी किल्ली डालते हैं, उससे पहले हमारी 5 रस्सी होनी चाहिए, 5 उठनी चाहिए, 5 दबनी चाहिए। उसके बाद में जितनी रस्सी आपकी बचती है 5 के अलावा, 2, 3, 4, 1, तो दबती हैं तो दबा दीजिए, यदि उठती हैं तो उठा दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा नज़दीक करते रहेंगे आप। तो चलते हैं, इस तरफ भी किल्ली हम डाल देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे क्या करेंगे, थोड़ा मैं सरका देता हूँ दोस्तों इसको, ये डिजाइन आप देखते रहिए। और हो सकता है कि दोस्तों ये डिजाइन हमारी 2 या 3 पार्ट में आई, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों ये डिजाइन, तो आप अपने शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार के डिजाइन आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। नई नई डिजाइंस मैं हर पर डे डालते रहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए कि किस प्रकार से आपको चारपाई में नई नई डिजाइन आप सीख सकते हैं। तो आगे दोस्तों मैंने क्या किया, 3 रस्सी दबाई है और 3 रस्सी दबाकर स्टार्टिंग में, फिर मैंने 5 उठाई और 5 ही दबाई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से फिर ये 5 उठाई है मैंने, 5 दबाकर, फिर दोस्तों 3 रस्सी दबाकर 3 ही उठानी है आपको, ये 3 हम उठा लेंगे। फिर यहाँ पे 3 दबाकर 3 उठा लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से सीक्वेंस हमारा चलेगा। और ये देखो ब्लॉक भी हमारा बनता हुआ नजर आ रहा आपको, तो ये सभी चीज चलती रहेंगी। तो रस्सी आप इस प्रकार से डालते रहना दोस्तों, ये हमें सभी डाल देंगे। और जोड़ा से रस्सी आपको ऊपर अप डाउन करनी है दोस्तों, उठानी है और दबानी है। ये बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि जोड़ा से हमें रस्सी दबानी और उठानी है आपको। और अंत में हम 5 दबाकर 1 रस्सी उठा लेंगे, इस प्रकार से ये आप करेंगे। अब मैं एक बार क्लियर डाल देता हूँ दोस्तों, इसको सही कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों देख पा रहे हैं पूरी डिजाइन आपको दिखेगी। और यहाँ सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, पहले 5 उठाए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ 5 दबाएंगे, फिर 4 दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, 1 दबाएंगे, इस प्रकार से स्टार्टिंग में सीक्वेंस चलेगा। और ये दूसरी तरफ दोस्तों देखो, यहाँ पे यहाँ 3 दबी, फिर 2, फिर 1 दबी, फिर 5 उठाई थी, फिर यहाँ 4 उठाई, 3 उठाई, 2 उठाई, 1 उठाई, तो जितनी अंत में बच जाती है वो बचा देना। सिर्फ इससे पहले ये लाल वाली रस्सी देखो, इसमें 5 रस्सी दबी होनी चाहिए, उसके अंदर 4 रस्सी आती है तो उठा देना, 2 रस्सी आई तो उठा देना, 1 रस्सी आई तो उठा देना, और जो रस्सी दबती है तो आप दबा देना। तो जितनी भी रेड वाली रस्सी देख पा रहे हैं ये यहाँ से इसके बाद में, तो ये दबी हुई है, तो इसके आगे ये ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक से आगे 5 दबानी, 5 उठानी है। और इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग से आगे भी 5 दबानी, 5 उठानी है, आज तक ये रस्सी खाली हमारी 3 दबी हुई है, इससे पीछे और आगे आपको 5 दबानी, 5 उठानी, और इसी के बीच में हमारी ये डिजाइन बनेगी। अभी दोस्तों आगे डिजाइन किस प्रकार से बनेगी वो दोस्तों आपको मैं पार्ट 2 में बता पाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।